स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के 16 अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत किए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा PNN तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर अहमद। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर अमजद अली जैदी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के 16 अरकान असेंबली ने अदम एतमाद की तहरीक असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि 2020 में जब तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत संभाली तो जो डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हैं नज़ीर अहमद एडवोकेट, वो ये दावा कर रहे थे कि उस वक्त की जो मरकजी क्यादत थी उसने ये फैसला किया था कि स्पीकरशिप का जो अहदा है वो 2.5 साल अमजद अली जैदी साहब के पास रहेगा। उसके बाद जो है 2.5 साल जो 25 मई को पूरे हुए थे उसके बाद उन्हें ये अहदा तफवीज करना था, तो वो अभी तक 5 जो गुजर गए नहीं हुआ। तो उन्होंने जो हम ख्याल ग्रुप है उनके साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक का ठीक है। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद।